आपने पांडा डिप्लोमेसी का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आइए इसके बारे में आपको समझाते हैं। पांडा डिप्लोमेसी के तहत चाइना कई देशों को पांडा देता है। 1957 में इन्होंने यूएसएसआर को अपना पहला पांडा गिफ्ट किया था। इसी तरह नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और मेक्सिको को भी चाइना ने पांडा दिए हैं। मगर 1984 में चाइना ने पांडा डिप्लोमेसी में कुछ बदलाव किए, जिसके तहत चाइना किसी भी देश को पांडा बेचेगा नहीं, बल्कि रेंट के रूप में देगा। और उसके बदले चाइना उन देशों से टैक्स लेगा। और ये टैक्स कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि एक पांडा लेने पर वो देश हर साल चाइना को $1 मिलियन की राशि का भुगतान करेगा। और अगर चाइना के बाहर किसी दूसरे देश के जू में अगर किसी पांडा का जन्म होता है, तो नए पांडा के जन्म के लिए वो देश चाइना को $4 लाख का भुगतान करेगा। क्योंकि पांडा डिप्लोमेसी के अनुसार कोई भी देश चाइना से पांडा खरीद नहीं सकता, और इस तरह से दूसरे देश में जन्मा पांडा भी चाइना की संपत्ति का ही हिस्सा माना जाता है। और यही कारण है कि जापान चाइना से मिले इन पांडों को वापस लौटा रहा है, और इंडिया जैसे देश में पांडा सिर्फ इसी वजह से दिखाई नहीं देते।